शिमला घूमने आए पर्यटकों और लोगों को शिमला पुलिस द्वारा शनिवार को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया, जहां बिना मास्क चालान काटने की बजाय पुलिस उन्हें मास्क उपलब्ध करती दिखी, तो वहीं कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करती भी दिखी। दरअसल सदर थाना शिमला की तरफ से दो दिनों के तहत ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सदर थाना प्रभारी संदीप चौधरी के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों द्वारा शिमला के मॉल रोड व रिज मैदान पर पर्यटकों व स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। वीकेंड पर भारी संख्या में पर्यटकों की आमद को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा ये पहल की गई है। सदर थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि शनिवार व रविवार को बिना मास्क घूमने वालों को मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है एवं कोविड-19 के निर्देशों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सभी जन से सहयोग की कामना करता है एवं उम्मीद करता है कि सरकार के द्वारा कोविड नियमों की पालना सभी द्वारा सजग रूप से होगी। आपको पता है कि अब वीकेंड है, सैटरडे संडे है, शिमला में टूरिस्ट फ्लो काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम टाइम टू टाइम लोगों को गाइड कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है उन तक हमारी कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही है, क्योंकि रोज़ नया टूरिस्ट आता है, जो पुराना होता है वो निकल जाता है। इसलिए आज हमने एक बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाया हुआ है शिमला में कि हम लोगों को अवेयर करें, टूरिस्ट को अवेयर करें, ताकि वो भी जैसे घूमने आए हैं तो वो अपने आप को वैसा ना फील करें कि प्रशासन उनके खिलाफ खड़ा है। प्रशासन उनको कोऑपरेट करने के लिए खड़ा है, परंतु सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइंस हैं, हम टूरिस्टों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कोविड अभी भी गया नहीं है, कोविड किसी न किसी दायरे में अपने वेरियंट बदल रहा है, तो अपने आप प्रिकॉशंस लें, जो सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं उनको फॉलो करें, मास्क पहनें, अपने आप को साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। हाँ, अक्सर ये देखने में आया है कि जब हम खुद फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो हम दूसरों को, जब पुलिस पूछती है तो हम दूसरों को बोलने शुरू हो जाते हैं, पर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, पुलिस अपना पुरजोर लगा रही है कि हम लोगों को अवेयर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क पहनें, अपने आप को साफ रखें, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। फिर भी लोगों को यदि ऐसा लगता है कि उनको गाइडलाइंस फॉलो करने हैं तो किस प्रकार से करने हैं, कोई भी सहायता पुलिस प्रशासन से चाहिए तो कभी भी हमारे से, हमारे हर टाइम पुलिस ऑफिशियल्स रिज पे हैं, मॉल पे हैं, हर जगह हमने पुलिस की तैनाती की हुई है। हम लोगों को बार बार बोल रहे हैं, टूरिस्टों को बार बार बोल रहे हैं कि आप मास्क पहनें, गाइडलाइंस फॉलो करें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। सर, आज किस तरह से जो है जागरूक किया जा रहा है और क्या क्या सख्तियों का पालन किया जा रहा है? आज हमने, जैसे आप देख रहे हैं, हमने पहले रूटीन में भी हम अनाउंसमेंट्स करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, हमारी टीम 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ रिज मॉल और कार्ट रोड के आसपास होती हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि आप मास्क पहने। वहीं पर्यटकों ने भी पुलिस प्रशासन के सहयोग को मैत्रीपूर्ण बताते हुए जागरूकता के नियमों को अपनाने की बात कही। सर, मेरा नाम मंगल सिंह है और मैं अमृतसर से आया हूँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब। एक्चुअली जो पुलिस कर्मचारी बहुत सारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से गाइडलाइन है जो उनको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने हमें यही गाइड किया है कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एग्जाम्पल मास्क पहन के रखें और हाथ को सैनिटाइजर रखें और सोशल डिस्टेंस का फॉलो करें। तो कैसा लग रहा है आपको कि अवेयरनेस फैला रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।